हेलो, इस वीडियो में मैं स्पीड, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी लेने जा रही हूँ, जिसको हिंदी में चाल कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। ये वीडियो एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो क्लास 9th क्लास में जब आप मोशन का चैप्टर पढ़ते हैं, गति का पार्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी चाल से जुड़े हुए जो सवाल आते हैं, इस वीडियो में कंसेप्ट है। तो कंसेप्चुअल वीडियो है मेरा, जिससे आपको इस तरह के सवाल किस तरह से निकलते हैं। सवाल में मैं पूरा मैथमेटिकल डिटेल कैसे निकलता है वो भी बताऊंगी, और मैं एसएससी वगैरह में ट्रिक से कैसे वो सवाल निकाल लेते हैं चाल के। तो अगर किसी को देखना हो तो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ट्रिक मैं आखिरी में बताऊँगी, क्योंकि मैं मैथमेटिकल चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि ट्रिक के ज़रिए क्या होता है कि मैथमेटिकल वे जो है वो गायब हो जा रहा है, जो सही तरीका है गणित निकालने का। तो मैं शुरू करती हूँ। आपके में वर्ड आता है चाल, फिर आपका वर्ड आता है औसत चाल, फिर एक शब्द आता है आपके सामने वेग। इस तरह से कई शब्द आते हैं। इसको कहते हैं स्पीड, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड, और इसको कहते हैं वेलोसिटी। इस वाले न्यूमेरिकल्स, इस वाले वीडियो में ये कैसे अलग अलग निकलता है, ये क्या चीज़ें हैं, और इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि जैसे मीटर पर सेकंड में लिखा है, तो इसको आप किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे। इस वीडियो में मैं आगे ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे औसत चाल के सवाल बिना हल करे भी ट्रिक से कैसे जल्दी निकलते हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपके साथ से छूट जाए। देखेंगे पूरा वीडियो तो आपको ज़रूर सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए हम वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आता है, कंटेंट्स पसंद आते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट के ज़रिए उस वीडियो में मुझे लिखिएगा कि वेदर ये वीडियो आपके लिए काम का है कि नहीं। आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, मुझे मैसेज मिलेगा कि मेरे कंटेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, मेरी कोशिश कामयाब हो रही है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं, या किलोमीटर पर आवर होता है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। देखिए, एक किलोमीटर में आपको पता है 1000 मीटर होते हैं। ये देखिए, मीटर में हिंदी में लिख रही हूँ, ये मीटर, ठीक। और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, मिनट्स, और एक मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये आप सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी रिवीजन दे रही हूँ। अब हम शुरू कर रहे हैं, ये बातें दिमाग में रखिए, अब उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज़ मेरे पास लिखी हुई है 100 किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर प्रति आवर माने घंटा, आवर को घंटा कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम कह रहे हैं कि मीटर पर सेकंड में आप परिवर्तित कीजिए। आप बताइए, इसकी ट्रिक भी है कि आप सीधे उससे गुणा करेंगे और आपका जवाब आ जाएगा, और आप पूरी तरीके से इसको हल कैसे करेंगे मैं वो दोनों चीज़ें बताऊँगी। आप देखिए, आपने ये 100 लिखा, अब ये किलोमीटर प्रति आवर पे आप ध्यान दीजिए, ये किलोमीटर ऊपर है और ये आवर नीचे, ठीक है, और ये आपका मीटर ऊपर है और ये सेकेंड नीचे। तो एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, हमने यहाँ पर 1000 से गुणा किया, ठीक है, और आवर में सेकेंड है, तो आवर के बाद मिनट आएगा, वो 60 हो गया, और फिर 60 सेकेंड आया, ये आपका मिनट वाला है और ये आपका सेकेंड्स वाला है। ये मैथमेटिकल वे है कि किस तरीके से बदला जाता है, ठीक है। आप देखिए आगे कैसे करना है। आपने ये जीरो काट दिया, आपका आ गया 1000/36। अब आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, मैं नहीं करने जा रही हूँ, और ये हो गया मीटर पर सेकेंड। अब इसी को अब इतना लंबा ना लेके ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं कि एक मिनट में आ जाए। तो मान लीजिए हम ट्रिक निकालने जा रहे हैं, देखिए वो ट्रिक भी कैसे निकलती है। ऐसा नहीं है कि आप उसको सिर्फ रटें, और मान लीजिए आप नहीं रट रहे, कितनी चीज़ों को आप रटेंगे। मान लीजिए आपका यहाँ पर सिर्फ 1 किलोमीटर प्रति आवर,
जिसको आपको बदलना है। आप 1 × 1000 करें और घंटे वाले को 60 × 60 किया आपने। अब आप इसको काटिए, ये जीरो कट गया। अब आपका बटा बचा 6 × 6 यानी 6 × 6, ये 2 × 5 = 8 हो गया और ये 2 × 3 = 6 हो गया, यानी आपका क्या हो गया 5/18। बस यही वो संख्या है, बस। जैसे कि अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 से गुणा करते हैं और हमारा जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट चीज देखिए, वीडियोस में जिन लोगों को आता हो उन्हें बहुत एलिमेंट्री लग रहा होगा ये क्या बता रहे हैं, लेकिन हम बहुत डिटेल में बताएं लेकिन एलिमेंट्री ना बताएं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। मान लीजिए किसी को ना आता हो। अब अगर हम आपसे कह रहे हैं कि मीटर प्रति सेकंड में लिखा है और आपको उसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, अब आप कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारा वही 100 है, 100 मीटर प्रति सेकंड। अब आप इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे, ठीक, यानी मीटर पर सेकंड इधर है और किलोमीटर इधर है। आप एक बात याद रखिए, किलोमीटर और मीटर, किलोमीटर एक बड़ी संख्या है, मीटर एक छोटी संख्या है। आप जनरल जिंदगी में देखिए, कोई छोटा बच्चा बड़ी क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में डिवाइड ज़्यादा कठिन होता है। तो जब मीटर से हम किलोमीटर में बदलेंगे तो हम यहाँ पर इसको भाग कर देंगे 1000 से, ठीक, और यहाँ पर भाग कर देंगे 60 × 60 से, यानी आपका ये बदल जाएगा 100 × 60 × 60 और आपका 1000 नीचे आ जाएगा। आपका ये दोनों जीरो कट गया, अभी आपका हो गया ये कट गया, ये आपके आ गया 360 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आप इसको फिर से चेक कर सकते हैं, हमने वहां 5/18 से गुणा बताया था और यहाँ पर आप क्या करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे, उसी का उल्टा। तो ये हो जाएगा 5 × 10, 18 × 36, ये देखिए सूत्र से आ गया, ठीक। यानी हमारा ओवरऑल जो ट्रिक आ रहा है, ट्रिक में देखिए क्या आ जाएगा, आप नोट कर सकते हैं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, हम आगे बढ़ने वाले थे लेकिन मैं लिखा दे रही हूँ। ट्रिक ये है कि यदि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो हमको 5/18 से गुणा करना है। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो आपको 18/5 से गुणा करना है, यानी इसी का। अब हम एक दूसरे सवाल में आ रहे हैं जहाँ मीटर प्रति मिनट वगैरह होता है और उसको आपको सेकंड में बदलना होता है, या मैं एक दूसरा सवाल ही ले लूँगी उदाहरण में, उसी में मैं आपको तीनों चीज़ें बता देती हूँ। सवाल आप नोट करिए, सवाल मेरे पास अगर इस तरह से है कि 3 चालें 10 मीटर प्रति सेकंड, फिर 200 मीटर प्रति मिनट, ये MIN मतलब मिनट, मीटर प्रति मिनट, ठीक है। तीसरी गिनती आपके पास है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास सवाल ये है कि छोटे से बड़े क्रम में लिखिए, छोटे से बड़े क्रम में लिखिए, यानी वी हैव टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जिसकी चाल छोटी है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। दैट मींस वी हैव टू कंपेयर ऑल द थ्री स्पीड्स हियर। नाउ फर्स्टली वी हैव 10 मीटर पर सेकंड, लेट इट बी एज इट इज। हमारे लिए बेहतर ये होगा कि चाहे जो भी चीज़ हो उसको मीटर पर सेकंड पे आप चेंज कर लीजिए। अब आपको हम पहले ले रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर का, तो मैंने आपको अभी अभी सिखाया, आप सिंपल क्या करिए,
1000 से गुणा करिए और 60/60 करिए। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि आप 30 को सीधा 5/18 से कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी सॉल्व इट, ये खत्म हो गया। 3 2s are 6, 2 5s are 10, here we have 10, 2 5s are 10, 2 3s are 6, that means we have 25/3, that means we have 3 8s are 24, 125, this by something like this। आप इधर भी चेक कर लीजिए, 6 5s are 30, 6 3s are 80, that means we have 25/3 meter per second। ये दोनों तो आपको आता है। इस क्वेश्चन में मैं जो तीसरी चीज सिखाने जा रही हूँ वो है 200 मीटर पर मिनट। यानी आपका पहला वैल्यू आ रहा है, मैं साइड में लिख लेती हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कंपेयरिंग में। आपका पहला है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा आपका ये वाला आ रहा है 8 1/3 मीटर पर सेकेंड। ये कंपेयरिंग आ रही है, यानी ये इससे छोटी हो गई। देखिए अब आपका 200 पर मिनट, इसको आप कैसे बदलेंगे ये देख लीजिए। मैं जानबूझ के अलग से मैं संभाल रही हूँ क्योंकि ये भी बहुत दिक्कत कर जाता है। देखिए 200 मीटर पर मिनट, इसमें आपका वही बेस आ जाएगा 200, ये मीटर ऑलरेडी है यानी हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन ये जो मिनट है दैट मींस वी हैव टू डिवाइड बाय 60, क्योंकि इन 1 मिनट देयर आर 60 सेकेंड्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। दैट मींस वी हैव 20/6, that means we have 10/3, that means 3 3s are 9, clear? approximately 3 1/3 meter per second। आप देखिए सबसे छोटा ये है, फिर ये है, फिर ये, यानी आपकी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गई, ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है और ये वाली सबसे बड़ी है। इस क्वेश्चन को आप ना समझ में आए दोबारा देख लीजिए, और मुझे लगता है कि ये जो आप लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन होता था इस क्वेश्चन से दूर हो गया होगा। और अब इसके बाद मैं एक नया टॉपिक लेने जा रही हूँ, वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन, पहले मैं सिंपल एक क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें मैं स्पीड और वेलोसिटी बताऊँ, उसके बाद जो मैं क्वेश्चन लूँगी उसमें मैं एवरेज स्पीड बताऊँगी। पहला मैं स्पीड का क्वेश्चन ले रही हूँ और वेलोसिटी ले रही हूँ, फिर एवरेज स्पीड। सवाल आप देखिए, आई हैव अ क्वेश्चन, या अ बॉडी कवर्स डिस्टेंस ऑफ 100 meters in 50 hours. Find speed in meter per second and kilometer per hour. ये क्वेश्चन, ये सिंपल मैंने स्पीड का क्वेश्चन लिया है। आप कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी सवाल हो उसकी आप एनालिसिस करिए। सबसे पहले एनालिसिस कहते हैं कि आपको सवाल में क्या कह दिया, इसकी हिंदी सुनिए। ए बॉडी कोई वस्तु है, कोई इंसान है, कोई चीज़ है, कोई गाड़ी है, कवर्स डिस्टेंस, डिस्टेंस माने दूरी, वो दूरी कवर करता है 100 मीटर की, 100 मीटर जाता है इन 50 आवर्स, लेकिन 50 घंटे में। हमको उसकी चाल बतानी है मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यानी यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस आ रहा है जिसको हम हिंदी में दूरी कहते हैं, ये आपका आ रहा है 100 मीटर, ठीक है। और आपका जो टाइम है, आई थिंक आप समझते होंगे इसको समय कहते हैं, ये आपका 50 आवर्स है। अब आपको जो स्पीड निकालनी है, एक तो मीटर पर सेकंड में निकालनी है, तो ये तो मीटर में, लेकिन ये सेकंड में नहीं है। फिर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो ये आवर में, लेकिन ये किलोमीटर में नहीं है। तो या तो आप इसको सेकेंड में बदल लीजिए और या आप इसको किलोमीटर में बदल लीजिए, तो एक ही यूनिट आपको मिल जाएगी। तो वो आपकी मर्जी, आप किसी में भी बदल सकते हैं। तो इट्स बेटर टू मेक आवर इनटू सेकेंड्स,
That means 50 into 60 minute into 60 second. It becomes our time. Clear? That means we have 3 zeros here. 5 6 are 30 and then again 6. 6 3 is 18. 1 2 3 4 0 are. अब हमारा सवाल यानी स्पीड निकालना है. स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं. इसका सूत्र होता है दूरी बटे समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज अवर फॉर्मूला एंड यू हैव टू पुट 100 ओवर हियर एंड 180. 1 2 3 दैट मींस 2 2 गेट कैंसिल्ड एंड वी हैव 1/180. You can see it is a little bit uncomfortable. That's why हम इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं. देखिएगा, आपका डिस्टेंस 100 है और समय 50 आवर्स. क्लियर आएगा वही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आपका डिस्टेंस 100 मीटर, टाइम 50 आवर. आप इसको अगर किलोमीटर में बदलते हो तो 100/1000 किलोमीटर. दैट मीन्स इट बिकम्स 0.1 किलोमीटर. नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वी हैव 0.1/50. दैट मीन्स अगेन ये पॉइंट गया तो पॉइंट, या मान लीजिए आपका ये 0/1500. क्लियर? आप 1/500 फिजिकल रेंज बता रही हूँ मैं. 0 0 0 then 0, then 0, then it is 2. That is 0.002 kilometer per hour. और meter per second में करने के लिए 0.002 into 5/18 meter per second. And this is our speed. Datas में थोड़ी दिक्कत हो रही है, points में आ रहे हैं, but इस तरीके से करना है कि जो दूरी और जो समय है उसको एक ही मात्रक में रखना है. जैसे अगर मीटर है तो समय को सेकंड में रखना चाहिए, और अगर किलोमीटर है तो समय को आप घंटे में रखना चाहिए. ठीक, तभी आपका सवाल आएगा. अब मैं दूसरा सवाल ले रही हूँ वेलोसिटी का. ये आपका स्पीड है, सिंपल सवाल लिया था चाल का, दूरी बटे समय, और उसको दोनों उसमें निकालना था. ये चाल और वेग का जो सवाल है, इसके लिए हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है. मान लीजिए हमने कहा कि एक व्यक्ति किसी पारक के चक्कर लगा रहा है और उस पारक की त्रिज्या 7 मीटर है, और उसे एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है वो मान लीजिए 7 किलोमीटर समय लग रहा है उसे, 1 घंटा. ठीक, अब हमें पार्क की त्रिज्या जो दी है वो 7 दी है. त्रिज्या को कहते हैं इंग्लिश में रेडियस. और जो टाइम लग रहा है, टाइम इन 1 राउंड 1 आवर. ठीक, वी हैव टू फाइंड द स्पीड एंड वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड? दैट इज चाल, एंड मीनिंग ऑफ वेलोसिटी इज वेग. यहीं पे मैं अंतर भी बता दे रही हूँ. यहाँ पर हम लेते हैं दूरी बटे समय, लेकिन यहाँ लेते हैं विस्थापन बटे समय. अब दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगी औसत चाल का, इसमें कवर नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. अब क्या हो रहा है कि इन दोनों में क्या अंतर है इसको भी मैं थोड़ा सा समझा दूं. दूसरी चीज आप ये समझिए, दोनों का मात्रक जो है वो मीटर पर सेकेंड है. ये आपकी अदिश राशि है और ये आपकी सदिश राशि है. अदिश को हम स्केलर कहते हैं
और सदिश को हम वेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे दो बातें आ रही है, दूरी और विस्थापन क्या है, अदिश और सदिश क्या है। पहले मैं बता दूं अदिश और सदिश क्या है। जिस चीज को बताने में हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, हमें दिशा बताने की कोई जरूरत नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कितना बजा है, आपने टाइम बता दिया 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, 12 बज रहा है। लेकिन आपसे किसी ने पूछा कि मेरा घर किस तरफ से है, तो आप अगर उसके साथ अगर दिशा बताएंगे तभी वो उसके घर तक पहुंच पाएगा। या मान लीजिए हमारा बल होता है, बल एक सदिश राशि है, यानी जिस क्वांटिटीज को, जिस फिजिकल क्वांटिटीज को, यानी जिन हिंदी में आई डोंट नो आई हैवंट रिमेंबर भूल गई, जिस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम उसकी वैल्यू भी बताते हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर दिशा भी होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। मतलब जहाँ पर कैलकुलेशन में दिशा मायने रखती है, दिशा की वजह से मान बदल जाता है, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक बंदा अपने घर से चला स्कूल तक, वहाँ से वहाँ तक की उसकी दूरी मान लीजिए 2 किलोमीटर है, फिर घर से वो वापस आ गया, वो स्कूल से घर को वापस आ गया, तो 2 किलोमीटर गया था, 2 किलोमीटर लौट आया, तो उसने कुल कितना पैदल पैदल चला, कितनी दूरी तय करी, तो 2 + 2 = 4, तो ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर हम वहीं पे उससे कहें उसका विस्थापन क्या था, तो वो वहीं चला वहीं वापस पहुँच गया, तो वो विस्थापन उसका 0 हो गया। यानी कोई व्यक्ति की जो शुरुआत की जब पोजीशन है जहाँ से वो चला, और कोई व्यक्ति जहाँ अंत में पहुँचा, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन के कई केसेस होते हैं, वो केसेस मैं नहीं तो अभी इसको बताने के बाद वो ले लूँगी, और जो एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का वीडियो है, इसके बाद मैं अगला वीडियो अलग बनाऊँगी, क्योंकि उसमें कई तरह के न्यूमेरिकल्स हैं और कंपटीशन में औसत वेग के पूछे जाते हैं, उसमें ट्रिक्स भी होती है, इसमें नहीं इंक्लूड करूँगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा, उसको आप देखिएगा ज़रूर, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये हो गया, अब हमें मान लीजिए ये सवाल है और हमें इसका जवाब निकालना है। अब हम अपने सवाल पर वापस आते हैं। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप अपनी किताबों की कोई भी सवाल लगाइए, आप बहुत आराम से कर लीजिए। अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत आती है तो फिर आप कमेंट में डालिएगा, मैं कोशिश करूँगी मैं उसका वीडियो बना दूँगी, या आप अगर उसमें कमेंट में डाल के अपना व्हाट्सएप लिंक देते हैं तो भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर सकती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक, आपको स्पीड निकालनी है, ठीक, स्पीड आपका क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। अब इस गोल चक्कर में जो डिस्टेंस तय हो रहा है वो इसकी परिधि है, मतलब देखिए ये ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक आता है, ये जो चीज़ आती है ये डिस्टेंस एक गोल चक्कर में 2πr होता है, ठीक है, और समय इसका कितना लग रहा है, 1 घंटा, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा 2π × 7/1, यानी 14π इसका जवाब है मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी में हमने कहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटे समय, तो ये जहाँ से चला था वहीं पे वापस पहुँच गया, मतलब इसी पॉइंट पे ये चला और घूम के फिर से एक पहुँच गया, तो विस्थापन क्या हो गया, 0/, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0 m/s, ये डिफरेंस है। अब मान लीजिए एक सवाल और ले लेते हैं इसको समझने के लिए, ये तो 0 केस था, दूसरा सवाल भी देख लीजिए स्पीड और वेलोसिटी का, उसके बाद ही इस टॉपिक को मैं खत्म करूंगी। अगर कोई बंदा आधा चक्कर की दूरी तय करता, यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंच गया, और ये त्रिज्या इसकी 5 मीटर, ठीक, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप दूरी बताइए, विस्थापन बताइए, फिर आप चाल बताइए, फिर आप वेग बताइए। दूरी को आप कहते हैं डिस्टेंस,
प्लीज़ थोड़ा वेट करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ चाहे हिंदी मीडियम बच्चा देखे चाहे इंग्लिश मीडियम बच्चा देखे, हर व्यक्ति इस चीज़ को समझ सके। अदरवाइज आई कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश, इट्स सो ईजी, बट वी आर इंडियंस, दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग ऑल्सो इन हिंदी। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स एंड द त्रिज्या, दैट मीन्स रेडियस इज ऑफ द सर्किल, दिस इज द सर्किल एंड वी हैव टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। मतलब कोई व्यक्ति है वो ए से बी तक आता है, तो इतने आने में उसमें कितनी दूरी तय की, उसका क्या विस्थापन था, उसकी क्या चाल है, उसकी क्या वेग, तो दूरी उसकी ए से बी तक की ये वाली दूरी हो गई, ये डिस्टेंस हो गया। तो ये आप देखिए आधा चक्कर है, ठीक है। तो गोले का जो परिधि होता है वो होता है 2πr, इसका आधा हो जाएगा, तो ये 2 से आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। आपका जवाब क्या हो गया, पाई आर, यानी 5 × π। ये r क्या है आपका, ये 5। अब आप निकालिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन, मैंने लिखा है देखिए डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन। विस्थापन क्या है, वो सिर्फ यहाँ से यहाँ, ये इसका प्रारंभिक स्थिति है, ये इसकी अंतिम स्थिति है, यानी ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, बस इनके बीच का डिफरेंस, दैट वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर, सिंपली ये अंतर हो गया। इसके बाद अब आपने निकालनी है स्पीड, आई थिंक यू नो स्पीड मीन्स चार्ज। आपके यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 5π। मान लीजिए मैं अब चीज लिखना भूल गई, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 2 सेकंड लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 π/s। अब आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी कितनी है, 10 × 2, दैट मीन्स 5 m/s। ये आपने विस्थापन लिखा। आई थिंक आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू, पसंद आ रहा हो तो ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ, जो बनेगा उसमें मैं औसत चाल के बारे में बताऊँगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। जनरली ये क्लास 9th में गति के पाठ का है। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा दोस्तों में, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट डालिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपने हमारे वीडियो को पसंद किया या नहीं। थैंक यू।